अंग्रेजी साल के 12 महीने और उसमें कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन। ये हमारी दो हाथों की मुट्ठियां हैं, तो हम यहाँ से महीनों के नाम गिनना शुरू करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह महीने। अगर महीने का नाम ऊपर आता है तो 31 दिन शुमार करेंगे, और नीचे आता है तो 30 दिन। इसी तरह ये 31 दिन और ये नीचे आया तो 30 दिन। पहला महीना जनवरी का ऊपर आ रहा है तो 31 दिन का, फरवरी महीना नीचे आ रहा है तो फरवरी महीना 28 या 29 दिन का होता है, मार्च ऊपर आ रहा है 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई ऊपर आ रहा है 31 दिन, अगस्त ऊपर आ रहा है 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 30 दिन।